आप अंधविश्वास के खिलाफ हो ना, लेकिन मूर्ति पूजा में आप बुराई नहीं समझो। इन बातों का समाधान किस तरह करोगा? मैं मूर्ति पूजा में विश्वास को नहीं करूं। दूसरा लोगों की तरह लकड़ी मिट्टी धातुरी पूजा मैं को नहीं कर सकूं। इस बारे में आप क्या कहोगे? ये किसका चित्र है? महाराज का। दीवान जी, कृपया इस चित्र को उतारिए। दीवान जी, इस पर थूकिए। मैं कह रहा हूं थूकिए, थूकिए इस चित्र पर। स्वामी जी, ये आपने कहीं करवाना वास्ते कह रहा हूं? यह महाराज रो चित्र है, मैं ये किस तरह कर सकूं? लेकिन यह तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, ना तो इसमें महाराज की हड्डियां हैं, ना मांस, ना रक्त, ना तो यह महाराज की तरह बोलता है और ना ही उनकी तरह व्यवहार करता है। फिर भी आप इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं? क्योंकि इस चित्र में आप अपने महाराज के रूप की छाया देख रहे हैं। वास्तव में आप इस पर थूकने से अपने महाराज, अपने स्वामी का अपमान समझ रहे हैं। देखिए महाराज, एक अर्थ में आप इस तस्वीर में हैं और दूसरे अर्थ में आप नहीं हैं। आपके स्वामी भक्त कर्मचारी इस तस्वीर को उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो आपके व्यक्ति को देते हैं। यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट को लाकर खड़ा कर देती है और इस बात में मदद करती है कि वो अपने प्रभु में मन रमा सके। वास्तव में वो पत्थर या धातु की मूर्ति की पूजा नहीं करते। महाराज, सभी लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, उस ईश्वर की जो परम आत्मा है, शुद्ध ज्ञान की चरम सीमा। और ईश्वर भी लोगों को उनके ज्ञान और उनकी समझ के अनुसार दर्शन दिया करते हैं। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। दीवान जी, तस्वीर को उसकी जगह पर टांग दीजिए।